मीनू ठाकुर, इन दिस लेक्चर विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट न्यूजेज और दी हेडलाइंस विच वर इन द न्यूजेज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज दिस एरिया इज़ द फेवरेट ऑफ UPSC, राइट? तो भारत का हम सभी को पता है, देयर इज़ अ डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया विच शोकेस थ्रू इट्स आइकॉनिक टेम्पल्स, हिस्टोरिक लैंडमार्क्स एंड वाइब्रेंट ट्रेडिशंस. तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से. सबसे पहले जो भारत का जो भी हिस्ट्री में अगर हम देखें, मराठा एम्पायर, उसमें 350th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, और ये एक ग्रैंड फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में. मराठा एम्पायर के जो एक दाता कह लो, जो गॉडफादर कह लो, वो है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज. इनकी जो गवर्नेंस है, इनके फोर्ट, इनके कल्चरल, इनके नेवी, ये सभी इम्पॉर्टेंट वो कोर एरिया है जहाँ से UPSC जो है पूछ सकता है क्वेश्चंस, खासकर मराठा एम्पायर से. आप एंग्लो मराठा वॉर्स देखें तो वहां से भी UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है? तो ये तो एक न्यूज हो गई. दूसरा था शांति निकेतन. जनरली ये शांति निकेतन होता है, लेकिन बोलते वक्त हम शांति निकेतन है. नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी ये डिक्लेयर हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये जो शांति निकेतन है, डेट वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, विच वॉज लेटर ऑन एक्सपेंडेड बाय हिज सन रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक है? ये फैक्ट भूलना नहीं है. शांति निकेतन स्टैंड्स एज अ टेस्टमेंट टू देयर विजन ऑफ एजुकेशन डेट एम टू फोस्टर एन अप्रिसिएशन फॉर नेचर, आर्ट एंड कल्चर. एक ऐसा गढ़ जहाँ पे शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन पर्पस था भारत का जो एक नेचर है, एक आर्ट है, एक कला है, एक कल्चर है, उसको जिंदा रखना, ठीक है? वाइकॉम सत्याग्रह, ये एक ऐसा सोशल रिफॉर्म लैंडमार्क था पूरे इतिहास अगर हम उठा के देखें तो. अभी ये जो वाइकॉम सत्याग्रह है, इनके बारे में क्या क्या हम फैक्ट याद रख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. ये एक टेंपल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड था ये सत्याग्रह, जिसने 100 साल पूरे किए हैं इस साल 2024 में. तो ये आपका प्रिलिम्स में नहीं तो मेंस में आ सकता है, ठीक है? सोशल इश्यूज में आ सकता है. ही वॉज द फर्स्ट एमंग टेम्पल दिस, जो था ये जो सत्याग्रह था, ये पहला ऐसा टेम्पल एंट्री मूवमेंट था डेट स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में ये स्वेप्ट हुआ. उसके बाद गांधीयन प्रोटेस्ट, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो सत्याग्रह फॉर ग्राउंडेड सोशल रिफॉर्म एमिड्स द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रिंगिंग गांधीयन मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर. इसमें गांधीयन जो था वो मेथड्स को अपनाया गया था. इजावा लीडर, द इशू ऑफ टेंपल एंट्री वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय इजावा लीडर TK माधवन इन अ 1917 एडिटोरियल, ठीक है जी? उसके बाद आपका आता है चिपको मूवमेंट, अ लेगेसी ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसके अंदर एक ऐसा एजिटेशन था लेकिन वो नॉन वायलेंट था. 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसका मेन लक्ष्य था प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना इन्वायरमेंट, हमारे ट्रीज़ को. वुमेन का इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन था, जो आज भी याद रखा जाता है. और कहा जाता है कि इन्होंने पूरे फॉरेस्ट जंगल को प्रिजर्व किया था, अपने आप को पेड़ों से बांध दिया था, एकदम जकड़ लिया था इन लोगों ने अपने आप को पेड़ों को ऐसे कि भैया हम इसको कटने नहीं देंगे. तो इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बहुत उत्तराखंड में ये जो मूवमेंट था ये चला था. द अपराइजिंग अगेंस्ट ट्री फेलिंग ओरिजिनेटेड उत्तराखंड एंड हेल्प द मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल्स. होयसल्स मंदिर जो है वो आपका हेलीबीदू में है, जो लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द द्वार समुद्र टैंक, ये पूछ सकता है. और एक मंदिर आपका है चेन्नकेश्वर टेंपल, जो बेलूर में है, जिसका जो मेन टेंपल है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, विच इज़ सराउंडेड बाय अ मठ, फोर्ट एंड मोट. केशव टेंपल सोमनाथपुरा में है, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द विलेज, शो केसिंग इंट्रिकेट कार्विंग. अब देखिए स्टोरी क्या है, ये जो सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल्स है कर्नाटका में, अभी इन्हीं इसको हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है.
नवाजा गया है, जिसके अंदर मंदिर है बेलूर में, हेलीबिड में एंड सोमनाथपुरा में, तीन मंदिर, जिसके अंदर चेन्नकेश्वर मंदिर द मेन टेम्पल इन द कॉम्प्लेक्स एट बेलूर यानी हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रेडिशनल सेटलमेंट विच इज़ सराउंडेड बाय द रेमनेट्स ऑफ अ मड फोर्ट एंड मोट, द होयसल वीरा टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ द्वार समुद्र टैंक इन हसन डिस्ट्रिक्ट, अ टाउन विच हैज़ मेनली प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड टेम्पल्स, एक ऐसी जगह है होयसल्स में जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बट ये तीन मंदिर मुख्य रूप से लिए गए हैं और इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, दीज टेम्पल्स आर रिनाउंड फॉर देयर इंट्रीकेट कार्विंग एंड आर अ टेस्टमेंट टू द आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस ऑफ द होयसल एम्पायर। होयसल एम्पायर से क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC, तो आप होयसल एम्पायर को बढ़िया से पढ़ेंगे इन सभी मंदिर को ध्यान में रख के। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर, मैं जगन्नाथ मंदिर की बात करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर। UPSC आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है, स्टाइल के बारे में पूछता है, और ये वन ऑफ द फोर धाम है, चार धाम ऑफ आदि शंकराचार्य, जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु को पूजा जाता है अलॉन्ग विद दी लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा। तो ये एक जगन्नाथ मंदिर के बारे में है। इसके अंदर दो चैम्बर्स है, द भीतर भंडार यानी इनर चैम्बर एंड द बाहर भंडार यानी आउटर चैम्बर। अब हम राम टेम्पल की बात करें, अयोध्या की बात करें, जो इस साल बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया, इस मंदिर का निर्माण हुआ, ये नागर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। चार कॉर्नर है इस मंदिर के जो होस्ट करते हैं टेम्पल्स फॉर द सूर्य भगवती गणेशा एंड शिवा, एंड द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न आर्म्स विल हैव अन्नपूर्णा एंड हनुमान टेम्पल्स रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आइकॉनिक सिंबल्स ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज, अगर हम इंडियाज़ की हेरिटेज की बात करें तो कुछ आइकॉनिक सिंबल्स हैं। ये सेंगोल है, अ सेप्टर सिंबलाइजिंग गवर्नेंस एंड राइटियसनेस एंड वॉज प्रेजेंटेड टू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। स्टैचू ऑफ वननेस, 108 feet टॉल स्टैचू ऑफ वननेस इन मध्य प्रदेश विच ऑनर आदि शंकराचार्य कंट्रीब्यूशंस टू वेदांत फिलोसफी। पिचाई पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स राजस्थान की है, विच डिपिक्ट लॉर्ड कृष्णास लाइफ विद वाइब्रेंट कलर्स एंड इंट्रिकेट डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेलिब्रेटिंग डाइवर्स ट्रेडिशंस, अगर हम बात करें सेलिब्रेशंस की जो चलता रहता है, डांस है, म्यूज़िक है, तो वहाँ पे भी UPSC पूछता है। जैसे न्यूज़ में था चाम लामा डांस, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट परफॉर्म का है, यहाँ पे जो चाम लामा डांस है ये तिब्बतन बुद्धिस्ट मनाते हैं टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु पद्म संभव, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद कोलकली इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम केरला, कोलकली याद रखिएगा, के से के है, कर्नाटक पे नहीं जाना है, केरला है, कोलकली है, परफॉर्म्ड विद रिदमिक स्टेप्स एंड स्मॉल स्टिक्स। धमाल इज़ अ मिक्स ऑफ सूफी एंड ईस्ट अफ्रीकन ट्रेडिशंस इन द स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड डांस ऑफ सिद्धिस ऑफ गुजरात, ठीक है, धमाल म्यूजिक याद रखिएगा। उसके बाद इसके साथ हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन शेयर योर थाट्स, यू कैन शेयर योर सजेशंस, यू कैन शेयर योर इफ़ एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली देन वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू, गुड डे।